ये सैलड देखकर आपका बनाने का मन जरूर कर रहा होगा, तो चलिए फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज चलिए बनाते हैं ब्रेड सैलड। इसे आप ब्रेकफास्ट में लें या फिर फुल मील में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का निशान है, उसे टच कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड सैलड बनाने के लिए मैंने लिए हैं ब्रेड। 4 पीस मैंने ब्रेड लिए हैं, तो इसे हम इस तरह पीस में काट लेते हैं। इस तरह चौकोर से पीस में हम इन्हें काट लेते हैं। इतना इतना साइज मैंने इसका, आप देख सकते हैं, इस साइज में हम इन्हें कट कर लेते हैं। पहले अब मैंने एक पैन चढ़ाया है, इसमें 2 से 3 चम्मच मैं ऑयल डाल लेती हूँ और एक बार इन्हें चारों तरफ इस तरह फैला लेती हूँ। और इसमें मैं अपने कटे हुए ब्रेड को डाल लेती हूँ। हल्का सा हमें इसमें क्रंच चाहिए, बस इतना ही, ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी पैन में मैं 1 चम्मच तेल और डालूँगी और इसमें मैंने आलू को बॉयल करके छील करके और इस तरह पीस में मैंने काट लिया है। इसे भी मैं हल्का सा सॉटे कर लेती हूँ। सॉटे करते वक्त चुटकी भर में इसमें नमक डाल लेती हूँ और इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। तो हमारा आलू भी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। ब्रेड और आलू को मैं एक बाउल में कर लेती हूँ और अब मैं इसमें ले लेती हूँ स्प्राउटेड मूंग। तो स्प्राउटेड मूंग 2 से 3 चम्मच ले लेते हैं हम। स्प्राउटेड मूंग फ्रेंड्स हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है कि हमें भूख काफ़ी टाइम, अगर आप स्प्राउटेड मूंग का सैलड वगैरह ले लेते हैं तो आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगने देता है। और एक बारीक कटा हुआ टमाटर, छोटा सा एक टुकड़ा खीरा का बारीक कटा हुआ और हाफ प्याज बारीक कटा हुआ। और अब मैं ले लेती हूँ इसमें दही, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो मैं ले लेती हूँ हाफ कटोरी दही, मैं अपने सैलड के हिसाब से ले रही हूँ। और मैं डाल लेती हूँ इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, हाफ चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और हाफ चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने बारीक धनिया काट रखा है तो डाल लेती हूँ मैं धनिया पत्ता और थोड़ी सी पुदीने की पत्ती। इससे बहुत अच्छा स्वाद भी आएगा और काफ़ी फ्रेशनेस आती है इससे। तो मैं इसे हाथ से ही तोड़कर डालती हूँ और एक बार इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तीखेपन के लिए हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, तो थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसकी जगह हरी मिर्च बारीक काट के अगर आप पसंद करते हैं, बच्चों को नहीं दे रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा सैलड बनकर तैयार होता है और एकदम झटपट से बन जाता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, आप इसे अपने लंच में भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका पूरे दिन का मील इसमें पूरा हो जाएगा। सादा नमक हमने डाला है तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल लीजिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
तो फ्रेंड्स, ये झटपट से बन जाने वाली सैलड आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए अगर मेरी रेसिपी आपको तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में।